डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम तीन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। नंबर वन, फ्लैशर लाइट, जो हमारे इंजन में फ्लैशर लाइट लगी रहती है उसके बारे में क्या रूल है और हम ड्यूटी में उसका कैसा प्रयोग करते हैं। ये पर्टिकुलरली लोको पायलट्स के लिए ज़्यादा यूजफुल है। नंबर टू, इंजन व्हिसल, जो हमारे इंजन में व्हिसल है जिसको हम दूसरे व्हीकल में, बस में, कार में हॉर्न बोलते हैं। सो सेम थिंग वी आर टेलिंग इन द इंजन, इट इज ए इंजन व्हिसल। सो इंजन व्हिसल के बारे में थोड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट बात करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट, टेल लैम्प, टेल बोर्ड, विच इज इक्वली यूजफुल फॉर आवर स्टेशन स्टाफ, स्टेशन मास्टर्स, पॉइंट्समैन, गार्ड एंड लोको पायलट्स। सो ओके, लेट अस डिस्कस वन बाय वन। फ्लैशर लाइट, एवरी इंजन इज प्रोवाइडेड विथ ए फ्लैशर लाइट, वेदर इट इज इलेक्ट्रिक लोको और डीजल लोको, कोई भी लोको है, सब में फ्लैशर लाइट रहेगी। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आता है, ये लाइट फ्लैश करने वाली है, मतलब जब हम ऑन करेंगे तो बार बार जलेगी, बुझेगी। दैट्स वाई द नेम इज गिवन फ्लैशर लाइट। सो कब यूज करते हैं? सपोज देर ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक पे यदि कोई अवरोध है, उस समय हम फ्लैशर लाइट ऑन करते हैं। हमारी ट्रेन खराब हो गई है, हमको सामने से आने वाली किसी ट्रेन की मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, वी नीड हेल्प फ्रॉम अपोजिट ट्रेन्स, दैट टाइम आल्सो वी आर स्विचिंग ऑन आवर फ्लैशर लाइट। देन नेक्स्ट पॉइंट, कि सपोज I am using flasher light, that is okay, मैंने अपना flasher light on किया है। Opposite direction से जो loco pilot आ रहा है, जो हमारे flasher light को observe करेगा, उसकी क्या duty है? So ये बात practical duty में important है। कभी कभी officer लोग engine में बैठ के जो foot plate inspection करते हैं, so trial के लिए भी flasher light on करा देंगे और वो लोग ऑब्जर्व करते हैं कि सामने से आने वाली ट्रेन का लोको पायलट का रिएक्शन क्या है, वो इस पर रूल एक्शन ले रहा है नहीं ले रहा है, एंड दे आर सबमिटिंग रिपोर्ट टू DRM ऑफिस। सो दैट्स व्हाई वी शुड बी केयरफुल प्रैक्टिकल में, जब ज़रूरत है तब भी, और यदि इस तरह से हमारा कोई इंस्पेक्शन या टेस्टिंग हो रही है, दैट टाइम आल्सो वी हैव टू फॉलो द रूल। तो मैंने सपोज मैं अप डायरेक्शन में ट्रेन लेके जा रहा हूँ और मैंने फ्लैशर लाइट ऑन किया है, सो अपोजिट डायरेक्शन, सामने से जो बाजू लाइन में ट्रेन आ रही है, उसके लोको पायलट का फर्स्ट ड्यूटी इज एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब कि हाँ, मैंने आपकी फ्लैशर लाइट देख लिया है। तो एक्नॉलेजमेंट देने के लिए एक फिक्स्ड तरीका है, 3 times ही शुड स्विच ऑन एंड ऑफ हिज फ्लैशर लाइट 3 times। इस तरह से एक्नॉलेजमेंट देना है कि हमने आपकी फ्लैशर लाइट देख लिया है, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट, ही शुड रिड्यूस हिज स्पीड, अपने गाड़ी की गति को कम करना है, ब्रेक अप्लाई करना है। सो उसके लिए भी रूल है, कितना गति कम करना है। सो डे टाइम ही शुड रिड्यूस द स्पीड अप टू 20 km/h, मीन्स आप किसी भी स्पीड में आ रहे हैं तो दिन का समय है तो ब्रेक लगा के आप 20 km/h पे आ जाइए, यानी यू फॉलो 20 km/h आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक ड्यूरिंग डे टाइम। नाइट टाइम लोको पायलट ही शुड अप्लाई द ब्रेक टू ब्रिंग 10 km/h। सो रात के समय ब्रेक ऐसा लगाना है कि हमारी गति 10 km/h तक आ जाए।
सो 20 के एम पी एच डे टाइम और 10 के एम पी एच नाइट टाइम, इतना स्पीड लाना है। नंबर 3 पॉइंट, स्टॉप योर ट्रेन नियर द लोको। आपका ट्रेन लोको के नजदीक में पहले ही रोक लेना है। रोकने के बाद क्या करेंगे? ऑब्वियस, लोको पायलट को बात करेंगे, व्हाट इज द प्रॉब्लम। यदि एडजेसेंट लाइन फाउल्ड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, या लोको पायलट को कुछ हेल्प चाहिए, सम इमरजेंसी इज देयर, दैट व्हाट एवर ही विल टेल एज पर द इंफॉर्मेशन वी विल एक्ट फर्दर। सो दैट इज अबाउट द फ्लैशर लाइट। वन मोर पॉइंट अबाउट द फ्लैशर लाइट, सपोज आन रन आवर लोको फ्लैशर लाइट फेल्स, यानी रन में है ट्रेन और हमारा फ्लैशर लाइट खराब हो गया, देन क्या रूल है? रूल इज क्लियर द ब्लॉक सेक्शन कॉशियसली, सावधानी पूर्वक ब्लॉक सेक्शन क्लियर करेंगे, अलर्ट में जाएंगे, एंड आफ्टर क्लियरिंग द ब्लॉक सेक्शन एट द स्टेशन गिव मैसेज, एज पर रूल लोको शुड बी रिपेयर्ड और रिलीफ लोको शुड बी अरेंज, यानी स्टेशन पहुंचने के बाद या तो फ्लैशर लाइट को रिपेयर करो या तो कोई रिलीफ लोको का अरेंजमेंट करना चाहिए। तो हमारे तरफ से हम अपने पावर कंट्रोलर या TLC ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर को मैसेज दे देंगे कंट्रोल ऑफिस को, एंड वी विल वॉच व्हाट इज द एडवाइस गिवन बाय द कंट्रोल ऑफिस। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, इंजन व्हिसल। तो यहाँ पे हम आपको इंजन व्हिसल कोड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इंजन व्हिसल कोड एक सेपरेट टॉपिक है, किसी और दिन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये बताना है कि हमारी ट्रेन में जो इंजन व्हिसल दिया है, सपोज ऑन रन इंजन व्हिसल फेल हो गया, देन व्हाट इज द रूल। सो उसके लिए भी रूल है कि लोको पायलट ही विल क्लियर द ब्लॉक सेक्शन विथ कॉशियस स्पीड। व्हिसल फेल हो गया तो हम ब्लॉक सेक्शन सतर्कता पूर्वक क्लियर करेंगे, अलर्ट में जाएंगे, कोई अनयूजुअल नहीं होना चाहिए। क्लियर करने के बाद स्टेशन आने पर सेम रूल, रिपेयर और रिलीफ। व्हिसल फेल है तो हम मैसेज देंगे, या तो लोग रिपेयर करने का अरेंजमेंट करेंगे या लोको चेंज करेंगे। फ्रॉम आवर साइड वी शुड गिव मैसेज टू आवर पावर कंट्रोलर और ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर इन द कंट्रोल ऑफिस थ्रू स्टेशन मास्टर। ओके, सो दैट इज व्हिसल कोड, व्हिसल, इंजन व्हिसल। थर्ड पॉइंट रिगार्डिंग टेल लैंप टेल बोर्ड। टेल लैंप टेल बोर्ड ऑलवेज इट शुड बी केप्ट ऑन द लास्ट व्हीकल ऑफ द ट्रेन। जो टेल बोर्ड है, दिन में टेल बोर्ड यूज करते हैं उसको LV बोर्ड भी बोलते हैं, लास्ट व्हीकल बोर्ड, और रात में टेल लैंप यूज करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड टेल बोर्ड, टेल लैंप। सो इट शुड बी केप्ट ऑन द लास्ट व्हीकल ऑफ द ट्रेन, वेदर इट इज ए ब्रेक वैन और समटाइम्स विदाउट ब्रेक वैन है गुड्स ट्रेन, तो जो लास्ट व्हीकल है, लास्ट वैगन, वहाँ पे इसको अरेंज करके रखना चाहिए। ओके, और टेल लैंप टेल बोर्ड ये इंडिकेशन फॉर द लास्ट व्हीकल। दैट्स व्हाई जब हम लोग दूसरे वीडियो में बात कर रहे थे, पीछे यदि बैंकर लोग को लगा है तो वहाँ पे हमें टेल लैंप टेल बोर्ड लगाना पड़ता है। कहाँ नहीं लगाना है उसके लिए भी एक पॉइंट है। जब हम डिवाइडेड ट्रेन वर्किंग करते हैं और फर्स्ट पोर्शन लेके जा रहे हैं, बिकॉज ट्रेन इज इनकम्प्लीट, ट्रेन इज इनकम्प्लीट, तो उस समय हम फर्स्ट पोर्शन में टेल लैंप टेल बोर्ड नहीं लगाना चाहिए, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो कि ट्रेन कंप्लीट आ गई। ओके, सो वो है एक प्रिकॉशन, कब नहीं लगाना चाहिए। अनदर थिंग, एक पॉइंट और आपको बताना चाहते फॉर लोको पायलट्स, कि सपोज ट्रेन इज ऑन रन ब्लॉक सेक्शन और एट द स्टेशन एनीवेयर, सपोज लोको पायलट इज इनकैपेसिटेटेड। इनकैपेसिटेटेड का मतलब क्या है कि जैसे लोको पायलट को कोई तकलीफ की वजह से बेहोश हो गया, मीन्स ही कैन नॉट वर्क द इंजन, ही कैन नॉट वर्क द ट्रेन, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो रूल परमिट करता है कि इफ असिस्टेंट लोको पायलट इज हैविंग कॉन्फिडेंस टू वर्क द ट्रेन, उसको थोड़ा प्रैक्टिस है, इसलिए एक रेलवे बोर्ड का लेटर है
कि जहाँ कहीं पॉसिबल है सो एएलपी को भी थोड़ा ड्राइविंग का अवसर लोको पायलट के द्वारा दिया जाना चाहिए। दैट इज द गाइडलाइन फॉर सीनियर डीएमई एंड सीनियर डीई कि एएलपी को भी मौका मिलना चाहिए ट्रेन को हैंडल करने का, सो दैट ऐसा सिचुएशन में इमरजेंसी में दे कैन वर्क द ट्रेन टू सम डिस्टेंस। तो ऐसा अगर लोको पायलट अनकॉन्शियस हो गया या अनेबल टू वर्क द ट्रेन है सिचुएशन, तो असिस्टेंट लोको पायलट कैन वर्क द ट्रेन विथ रिस्ट्रिक्टेड स्पीड ऑफ 40 km/h। तो एएलपी जो है 40 km/h की प्रतिबंधित गति से गाड़ी को चला सकता है, जहां पर हम उसको रिलीफ अरेंज कर सकते हैं, लोको पायलट को वहां तक जा सकता है, प्रोवाइडेड ही इज हैविंग कॉन्फिडेंस एंड ही हैविंग सम लर्निंग। ओके, सो दीज आर द 3-4 पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई हैव डिस्कस्ड। सो अदर टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ये टॉपिक में यदि किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए, अपना सजेशंस भी लिख सकते हैं, एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब इफ ऑलरेडी यू हैव नॉट सब्सक्राइब, एंड ट्राई टू शेयर विथ योर डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड फेसबुक्स। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।